करेंगे। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। HFCL का प्राइस अभी चल रहा है 82 रुपीज का, और आज के दिन में इसमें आधा परसेंट की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पर जब ये बजट अनाउंस हुआ था 1 फरवरी को, तो इसमें एक अच्छी उछाल हमें देखने को मिली थी। उसका रीजन ये था कि इसमें बहुत सारी और इस सेक्टर में बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई थी। अगर हम HFCL की बात करें तो HFCL बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग है, R&D है, टर्नकी सॉल्यूशंस है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का हो गया, या नेटवर्क इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, या टेलीकॉम के रिलेशन में हो गया। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट पे इसमें बहुत ही एक अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में। ये मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो आवरली चार्ट है उस पर कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। अगर आप इसे कप विद हैंडल पैटर्न कहें तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसका जो RSI है वो तकरीबन 46 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो RSI भी एक नॉमिनल लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। इसमें जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो रूरल एरियाज तक ई सर्विसेज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और डिजिटल सॉल्यूशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना रहेगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें निकलेंगे रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर के लिए, उसको PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर रखा जाएगा 2022-2023 के लिए, और उसका कंप्लीशन जो है वो 2025 तक एक्सपेक्टेड रहेगा। और अपने भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट में 5G टेक्नोलॉजी ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने में मदद करेगा, और उसके लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शंस 2022 में होंगी, जिससे 5G मोबाइल सर्विसेज 2022-23 तक रोल आउट हो जाएगी प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के लिए। और इन सब चीजों में बहुत बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले की बात करें तो स्टरलाइट टेक और HFCL में पेटेंट लिटिगेशन के लिए कोर्ट में एक दूसरे के सामने थे, पर इस न्यूज के बाद दोनों कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। अब एक बार इसमें देख लेते हैं कि इसमें टारगेट क्या निकल के आ रहा है और क्या एंट्री लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और इसमें हमें स्टॉप लॉस किस तरह का रखना चाहिए। इसमें जो एंट्री लेवल की बात करें तो करंट प्राइस पे इसको हम बाय कर सकते हैं, और उसमें हम अपना 50% इसमें इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि अगर मैंने इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं 50 रुपए यहाँ पे लगाऊंगा, और अगर डिप में ये और मेरे को नीचे मिलता है तो वहाँ पे मैं अपना क्यूमुलेट करूंगा। तो यहाँ अभी जिस लेवल पे ये है 82 के लेवल पे, यहाँ पे मैं अपना 50% अमाउंट लगाऊंगा और मेरे को ये अराउंड 75 या 70 रुपीज के करीब मिलता है तो वहाँ पे मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा। ऊपर के लिए जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 105 का पहला टारगेट इसमें निकल के आ रहा है, और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो 140 का टारगेट मेरे को यहाँ पे देखते हुए मिल रहा है, अगर मैं 1 से 1.5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता हूँ तो। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, शॉर्ट टर्म में यानी कि अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 6 से 12 महीने में मेरे को यहाँ पे 105 रुपए का टारगेट मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न इसमें बनाया था अराउंड 93 का इसने यहाँ पे हाई लगाया था, उसके बाद से ये यहाँ से नीचे की तरफ रहा है, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ही मेरे को इशारा कर रहा है और ये बहुत जल्द वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करूं तो बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे आपको रिटर्न ये दे सकता है। तो एंट्री लेवल मैंने आपको बताया, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 55 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसके लिए हम इसमें एक पोजीशन ले सकते हैं जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो 5G का रोल आउट रहेगा उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इस कंपनी के लिए भी होता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही लिहाज से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती हुई दिख रही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, दोनों के लिए टारगेट मैंने आपको बताए हैं और एंट्री पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आप भी उन लेवल से सहमत है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया तो कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।